इस रिवर में हमें बोटिंग करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि ये टाइम नहीं है घूमने लायक। और इन्होंने हमसे एक पेपर पर भी साइन करवा लिया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सांप और मगरमच्छ पाए जाते हैं। इतनी गर्मी है कि वो जंगलों में नहीं छुपते हैं, वो पानी के नीचे बैठे रहते हैं। लेकिन हमने ये रिस्क किया एक्सेप्ट और चले गए मगरमच्छों से मिलने के लिए। मेरा ना सांप को देखने का मन तो बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैं और मेरी टीम निकल गए बोटिंग करने के लिए। आज की बोटिंग बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बोटिंग करने वाली हूँ। बाकी काफी सारे हमारी टीम में लोगों ने बोटिंग की है लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम है। पहले तो भैया ने अच्छे से सिखाया कि बोटिंग आपको कैसे करनी है और अगर कोई स्नेक या मगरमच्छ आए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये लोग हार्म नहीं पहुँचाते हैं। तो बस भैया ने हमें अच्छे से सिखा दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपको ऐसे ऐसे क्या क्या करना है। 15 मिनट का हमारा टाइम था, 15 मिनट में भैया ने हमें सब कुछ सिखा दिया। उसके बाद मेरे पैरों पर बांध दी गई एक बेल्ट। पहले तो मुझे लगा एक बोट में दो लोग तो बैठेंगे, फिर बाद में पता चला एक बोट में सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है वरना बोट पलट जाएगी अगर दूसरा बैठा तो। तो हम लोग तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और चलने लगे। सबसे पहले मेरी ही बोट गई और कहां जा रही थी मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बोटिंग में पहली बार कर रही हूं, वो भी अकेले, तो इतना तो समझ में आना मुश्किल ही है ना। उसके बाद लखन की बारी आई और लखन को देखो पूनम दीदी कैसे पुश कर रही है ताकि लखन अच्छे से बोट चला पाए। उसके बाद एक एक करके सबकी बोट आने लगी इधर से उधर से और हमारे पीछे पीछे दो भैया आ रहे थे हमें देखने के लिए कि हम बोट सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। मैं बता दूं हम लोग हैं थाईलैंड में। थाईलैंड में ये बोटिंग करना बड़ा ही मजेदार होता है, अगर आप भी थाईलैंड जा रहे हो तो ये बोटिंग जरूर करना। हम लोग एक विला में रुके थे जो कि बैंकॉक से 4 घंटे की दूरी पर था जहां पर ऐसी बोटिंग होती है। सारी चीजें मैं कमेंट से बता दूंगी कि ये कहाँ पर है लेकिन अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े सांप देखने को मिलेंगे और मगरमच्छ जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। मैं बोटिंग बहुत अच्छी कर रही थी, मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन भैया मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सुनकर। आसपास की झाड़ियां जो आप देख रहे हो यहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं इसीलिए उनको डर था कि अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके रिस्क पर होगा। लेकिन हम इतने बहादुर हैं कि हमने अपना रिस्क ले लिया और निकल पड़े थे बोटिंग करने। 40 मिनट की पूरी बोटिंग थी, करने में बहुत मजा आया। फिर हमें भैया ने उतार दिया हमारी डेस्टिनेशन पर जहां पर मेरे पैर की पट्टी खोली गई। ये पैरों में बांधा क्यों गया था मुझे अभी तक समझ नहीं आया, हो सकता है हमें बचाने के लिए। उसके बाद हम लोग बैठ गए साइड के किनारे में क्योंकि हमारी दूसरी बोट आ रही थी जो हमारे रिजॉर्ट में छोड़ेगी। और यहाँ पर मेरी बहन मुझे थोड़ा सा तंग कर रही थी, वैसे तो मुझे पता नहीं चला कि ये कौन था लेकिन मैं थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी कर रही थी। उसके बाद हमने थोड़ी सी शूटिंग करी जो कि ननन भाभी आप नीतू बिस्ट पर देखी लोगे, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई नो। उसके बाद हमने कुछ रील्स भी शूट करी जो कि कुछ ऐसी थी। हमारे साथ तो कोई हादसा नहीं हुआ, टच वुड, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। बस मैं यही प्रे करूंगी सबके ऊपर भगवान की कृपा ऐसी बने रहे और आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताते हुए जाना। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल।